गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीनेटर किस तरह से मोबाइल पे अपना सेशन स्टार्ट कर सकती है और रजिस्ट्रेशन करके प्रेग्नेंट वुमेन या फिर इन्फेंट और चिल्ड्रन को वैक्सीनेट कर सकती है। तो इस तरह का इंटरफेस मोबाइल पे दिखाई देगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेगी इन्हें और अपना पासवर्ड डालेगी और लॉगिन करेगी। लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये पेज ओपन होगा। इसको यहाँ से सबसे ऊपर आ रहा है सेलेक्ट फैसिलिटी सेलेक्ट करेगी और जिस साइट का ये सेशन है वो साइट सेलेक्ट करेगी। इस तरह से येट टू स्टार्ट लिखा आ गया, नीचे दिखा है टुडे सेशन है ये आज का, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेगी येट टू स्टार्ट या इस पूरे बार के ऊपर और यहाँ पर स्टार्ट सेशन का ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्ट सेशन पर क्लिक करते ही ये पूछेगा आप ये सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप प्रेस करेंगे येस, ये सेशन स्टार्ट हो गया। अब देखिए इस पेज पे ऊपर जो फ़िल्टर का ऑप्शन है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, हम यहाँ से मोबाइल नंबर या बाकी डिटेल डाल के बेनिफिशियरी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और नीचे जो प्लस का साइन है इससे रजिस्ट्रेशन करके हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसको फ़िल्टर से मोबाइल नंबर डाल के या उसकी आईडी डाल के सर्च कर लेंगे और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा उसको हम ऑन साइट इस प्लस के निशान से क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं प्लस वाले साइन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया। इस पर जिस तरह से हमने पहले बताया था कि किसी भी चिल्ड्रन और इन्फेंट को वैक्सीनेट करने से पहले उसके प्राइमरी मेंबर ऐड करने होते हैं, मतलब उसके गार्जियन को ऐड करना होता है। तो मैं किसी गार्जियन की एंट्री करता हूँ, यहाँ एक डमी मोबाइल नंबर ले लिया मैंने, इस नंबर को कॉपी किया इस तरह से और नीचे वाले इसमें कॉलम में पेस्ट किया, उसका ईयर ऑफ बर्थ, उसकी कैटेगरी लेट्स से वो सिटीज़न है और उसका नाम मैं अभी नेम ले लेता हूँ राकेश कुमार, उसका जेंडर, उसका आईडी, मैं डमी आईडी ले रहा हूँ, आपको प्रेफरेबली आधार कार्ड लेना है, ठीक है, और कंटिन्यू। इस तरह से ओटीपी जाएगा उसके मोबाइल पे, जिसको हमारे पास स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्किप करते ही यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इस गार्जियन के साथ किस बच्चे को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए। तो ऐड चाइल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा राकेश कुमार के बेटे का, ऊपर देखो नाम आ रहा है इसके बेटा या बेटी जो भी हो रहा है उसका नाम डालेंगे, लेट्स से स्वीटी, उसकी ईयर ऑफ बर्थ लेंगे 2022 की जनवरी ले लेता हूँ फीमेल, उसने ऑटोमेटिकली नीचे कैटेगरी में चिल्ड्रन ले लिया, ठीक है, अगर वो इन्फेंट होती तो इन्फेंट ले लेता। सबमिट करेंगे, सबमिट करते फिर से वो ओटीपी जाएगा उस बेनिफिशियरी के पास जिसे हम स्किप कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। ओटीपी स्किप करते ही ये बेनिफिशियरी एडिड हो गया है, बट अभी शेड्यूल में जीरो दिखा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार बाहर चले जाएंगे सेशन में, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेड्यूल में दिखाने लगा है। अब इसको जिस तरह से हम कोविड वैक्सीनेशन में करते थे शेड्यूल से वेरीफाई से वैक्सीनेट वो करेंगे, सिटी के ऊपर कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उसका मैनुअल वेरीफिकेशन स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू कर देंगे और ईयर ऑफ बर्थ डाल देंगे सिटी की, ईयर ऑफ बर्थ थी 2022 और कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है और उसके बाद अब वो लास्ट वैक्सीनेशन वाली फीड पे ले आएगा हमें। हमें यहाँ टैग टू सेशन साइड करना है, प्रीवियस वैक्सीन और करंट वैक्सीन, अगर हमें प्रीवियस वैक्सीन उसकी कोई चढ़ानी है, लेट्स से बीसीजी ओपीवी और हेपेटाइटिस बी उसको लग गया था उस टाइम, तो उसमें से किसी एक की डेट भी चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ाएंगे तो कोई इशू नहीं। बाकी वैक्सीन हम नहीं चढ़ा रहे अभी और हम चढ़ा भी सकते हैं अगर उसको मिल गया है, उसके एनसीपी कार्ड है या उसकी डिटेल है तो, और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो विंडो अपने आप करंट वैक्सीनेशन साइट पे आ जाएगी, दोबारा से टैग टू सेशन साइट पे क्लिक करेंगे ऊपर और अब हम चेक करेंगे यहाँ पे ओपीवी वन के लिए एलिजिबल है, ओपीवी वन लगाएंगे, उसके रोटा नहीं एलिजिबल, रोटा नहीं लगा सकते, एफआईपीवी अभी नहीं लगा सकते, न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी नहीं एलिजिबल, पेंटा के लिए नहीं एलिजिबल, एमआर वन के लिए एलिजिबल है एमआर वन लगा देंगे, जेई के लिए एलिजिबल है जेई लगा देंगे, डीपीटी लगा देंगे वन और वाइटामिन नहीं, ठीक है। उसके बाद सेवन कंटिन्यू कर देंगे, मतलब जो जो हम वैक्सीन लगाएंगे उसके वो टेक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आज की डेट ले लेगा और वैक्सीनेट कर देंगे। वैक्सीनेट होते ही वो वैक्सीनेट हो गया है। अब देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है वैक्सीनेट सक्सेसफुली और डाउनलोड अपना, ये आपको दिखाने के लिए डाउनलोड करें क्लास में, वैसे डाउनलोड नहीं करनी है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से उसका कार्ड रेडी हो गया, जो जो डेट आपने डाली थी उस पर टिक आ गया, जो डेट डाली थी उस पर डेट आ गई, जो सिर्फ मेंशन करा था कि हाँ ये डोज लग चुकी है उस पर टिक आ गया और आगे का सारा सर्टिफिकेट टिक के आ गया, ठीक है। इस
इसके अलावा मैं दोबारा से एक बार वैक्सीनेट वाली बकेट में जाऊँगा, लास्ट जो दी शेड्यूल वेरीफाई वैक्सीनेट, वैक्सीनेट में सीटी को दिखा रहा है कि वैक्सीन लगी है। यहाँ पे एक एरो है, ये जो बैकवर्ड एरो है एक नीचे की तरफ है, एक लेफ्ट हैंड की तरफ एरो दिखा, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि आप वैक्सीनेशन डिटेल जो आपने चढ़ाई है इसको आप क्या अंडू करना चाहते हैं। अगर हम इसको यस करेंगे तो उसकी सारी वैक्सीन जो है दोबारा से चढ़ाने के लिए हमें ऑप्शन दे देगा। तो ये ऑप्शन सिर्फ इसीलिए यूज़ करना है अगर कोई वैक्सीनेशन गलत चढ़ जाता है तो, अदरवाइज़ आप वैक्सीनेशन चढ़ा चुके हैं। और इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करके सेशन को स्टार्ट करके रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेट बच्चों को कर सकते हैं। थैंक यू।